मुरादाबाद की वो खबर जहां एक नमाज सामूहिक नमाज का ये वीडियो सामने आया है और सामूहिक नमाज के इस वीडियो सामने आने के बाद अब सबके कान खड़े हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो दरअसल पुराना है। वीडियो में सच्चाई कितनी है ये भी आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये वीडियो सच्चा था या झूठा था, इसको लेकर के भी यहाँ तहरीर दी गई। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिरकार ये पूरा मसला था क्या। सामूहिक नमाज पर बवाल मचा था, घर पर सामूहिक नमाज के बाद FIR से हंगामे भी हुए थे और हिंदुवादी संगठनों ने बहुत बवाल किया। बिल्कुल, हिंदू पक्ष ने यहाँ पर नमाज पढ़ने का आरोप लगाया था। साफ तौर पर यह कहा गया था कि एक निजी स्थान पर इस तरीके से नमाज अदा नहीं की जा सकती है। सामूहिक नमाज मामले में घटना की पूरी पड़ताल की गई तो पूरी घटना के बारे में अब पता चला है कि पूरी घटना ही झूठी है और ये बहुत पुराना वीडियो है जिसे लोगों ने सर्कुलेट किया है। मुरादाबाद पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार जिस घटना के वीडियो की जानकारी यहाँ पर दी गई थी, जिसको मुख्य आधार बनाया गया था, वो जो वीडियो है वो पूरी तरीके से झूठा है। कानूनी रूप से निजी संपत्ति पर नहीं पढ़ सकते हैं सामूहिक नमाज और इसी को आधार बना करके इस पूरे मामले में FIR दर्ज करवाई गई थी, कार्रवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन जब जाँच हुई पता चला तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई और ये पता चला कि वीडियो बहुत पुराना है। इस वीडियो की सच्चाई वो नहीं है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मुरादाबाद के इस मामले में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो ये पता चल गया कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जा रही है जिन लोगों ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई थी। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल किस तरीके से हुई और क्या हकीकत सामने आई और अब उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया था? देखिए, ये पूरा वाक्य जो है मुरादाबाद का है। वहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक मकान में 26 लोग थे जो एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसा कि लखनऊ में एक बार हुआ कुछ दिन पहले लूलू माल प्रकरण, उसी को देखते हुए लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है। इसके बाद पुलिस ने पूरी FIR दर्ज की, सभी लोगों को चिन्हित किया और जब इस मामले की गहनता से छानबीन हुई तो ये पूरा मामला फर्जी पाया गया। इस बात को पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। फिलहाल इस मामले में पटापेक्ष कर दिया गया है, पूरे मामले को खत्म कर दिया गया है। जो FIR दर्ज कराई गई थी उसमें भी अब फाइनल रिपोर्ट लगाई जा रही है। चलिए, बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।